नमस्कार दोस्तों, गारवा शुगर केन जूस मशीन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा मशीन गारवा अल्ट्रा विथ डस्टबिन के बारे में। गारवा ये इंडस्ट्रियल फार्मटेक प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है। हम एक पुणे स्थित कंपनी है। हम शुगर केन जूस बिजनेस को लगने वाली लगभग 10 मशीनें बनाते हैं, जिसमें बेसिक शुगर केन क्रशर्स है, पीलिंग मशीन्स है। आज मैं जिस मॉडल के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम गारवा अल्ट्रा है। ये 1.5 एचपी की मशीन है। इसमें 1.5 एचपी की क्रोमटन की मोटर आती है, एक गियर बॉक्स आता है जो हम बाहर से लेते हैं, और एक गियर बॉक्स आता है जो हम इंटरनली डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पर SS304 के 3 रोलर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये 3 रोलर मशीन है। इस मशीन में 95% क्रशिंग हो जाता है। इस मशीन में हम जो स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहे हैं, जो इस जूस बॉक्स के अंदर भी लगा हुआ है और बॉडी के ऊपर भी लगा हुआ है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील हम SS304 का ही यूज़ करते हैं, जो एक फूड ग्रेड मटेरियल है। इस मशीन में जो कोई भी स्पेयर पार्ट्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, वो सभी स्पेयर पार्ट्स हम ब्रांडेड कंपनी के यूज़ करते हैं, जिसके वजह से मशीन की विश्वासार्हता बढ़ जाती है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है, इसके ऊपर इस जैसे रोलर लगे हुए रहते हैं। ये सभी शाफ्ट रोलर SS304 के ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड और रिवर्स का स्विच है। जब हम गन्ना इसके अंदर डालते हैं तो हमें फॉरवर्ड करना है। अगर कोई गन्ना अटक जाता है तो हमें मशीन स्टॉप करना है और रिवर्स करना है। इस प्रोसेस में गन्ने को और थोड़ा स्पीड मिल जाता है और गन्ना क्रश हो जाता है। इस मशीन का परफॉर्मेंस लगभग 600 ग्लास पर आवर का है, मतलब आप एक घंटे में इसमें 600 ग्लास जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 200 किलो गन्ने के पीछे मिलेगा। तो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। इस टाइप के हम गियर हमारे गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस मशीन में 2 गियर बॉक्स रहते हैं। एक गियर बॉक्स जो रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो गियर बॉक्स हम बाहर से लेते हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हम वो गियर बॉक्स लेते हैं। इस मशीन में लगने वाली मोटर क्रॉम्पटन ग्रीव्स या फिर हैवेल्स या फिर मैराथन जैसी टॉप मोस्ट कंपनी की ही हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप के जो इलेक्ट्रिकल्स इसमें लगने वाले हैं, मतलब जो MCB हम यूज़ करते हैं, इसमें डबल MCB हम यूज़ करते हैं, वो MCB एंकर का रहता है, जीगो कंपनी के इंडिकेटर्स, LNT कंपनी का फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्विच, जो भी केबल्स इसमें लगने वाले हैं वो हम पॉलीकैप के यूज़ करते हैं, 3-पिन प्लग एंकर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस मशीन में लगने वाले सभी पार्ट्स हम आइदर ब्रांडेड यूज़ करते हैं या फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम खुद बनाते हैं। जो पार्ट्स हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पार्ट्स की क्वालिटी और रिलायबिलिटी, इसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके वजह से हम एक अच्छे क्वालिटी का मशीन आपको दे रहे हैं। इस मशीन में लगने वाला शीट मेटल जो हम यूज़ करते हैं, वो 1.2 mm का शीट मेटल हम यूज़ करते हैं। इस टाइप के मशीन में लगने वाला हाईएस्ट थिकनेस का शीट मेटल हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली डस्टबिन मॉडल है। इस डस्टबिन मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कैस्टर व्हील लगे हुए हैं,
तो मैं आज आपको जो मशीन दिखा रहा हूँ वो हमारा बेसिक मॉडल प्लस डस्टबिन है। हमारा जो 1.5 एचपी का मॉडल है और 1 एचपी का मॉडल है, इन दोनों मशीनों के साथ डस्टबिन मॉडल आता है। जिन लोगों को अपने शॉप में अच्छा एम्बियंस क्रिएट करना है, वहाँ पे इस टाइप के डस्टबिन मॉडल आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से गन्ने का जो बगैस है वो डायरेक्टली टेबल के अंदर जाके गिर जाएगा। इसकी कैपेसिटी लगभग 50 किलो की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्रश हुआ करा हुआ गन्ना आपको दिखेगा। इसमें आप एक सिंपल सा क्रेट या फिर एक बैग रख सकते हैं, जिसमें वो कलेक्ट होगा और बाद में आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये डस्टबिन वाला मॉडल आप 1 एचपी के मशीन के साथ या फिर 1.5 एचपी के मशीन के साथ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैस्टर व्हील लगे हुए हैं। इस कैस्टर व्हील को यूज़ करके आप पूरा मशीन आपके शॉप से अंदर या बाहर आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 रोलर का मशीन है। इसमें यहाँ से हमें गन्ना डालना है। गन्ना डालने के बाद जो भी 3 रोलर्स है उसमें गन्ना क्रश हो जाता है और नीचे से उसका जूस हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जार वगैरह रखना पड़ेगा। गन्ना उसके बाद पीछे इस पाथ से जाके टेबल के अंडर कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे हम एक बैग या फिर एक क्रेट रख सकते हैं जिसमें वो कलेक्ट हो जाएगा। इस मशीन का वर्किंग वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन के पे क्लिक कीजिए, और इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।